आनंदम केंद्र चलो अभियान का हुआ आगाज। मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान के द्वारा आनंदम केंद्र चलो अभियान का शुभारंभ हो चुका है। इसमें उसका मुख्य उद्देश्य है कि आपके घर की और उपयोगी वस्तुएं किसी जरूरतमंद के जीवन में उपयोगी साबित हो सकती हैं। इन वस्तुओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए आनंद संस्थान के द्वारा 5 अक्टूबर से 1 माह तक आनंदम केंद्र चलो अभियान चलाया जा रहा है। इसे सफल बनाने के लिए आप इन वस्तुओं को अपने नजदीकी आनंदम केंद्र में पहुंचाएं और किसी के आनंद में सहयोगी बने। गूगल मैप और राज्य आनंद संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट की सहायता से आप अपने नजदीकी आनंदम केंद्र पर जा सकते हैं। जो आपके पास जरूरत से अधिक वस्तुएं हैं उन्हें इस केंद्र तक पहुंचा सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय कुमार जैन है और मैं मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान जिला का शिवपुरी में रीडिप्लॉयड कार्यकर्ता हूँ और विगत 5 बरस से हम लोग इस आनंदम केंद्र और आनंद विभाग को यहाँ पर शिवपुरी में चला रहे हैं। सर, आनंदम केंद्र चलो अभियान का प्रारंभ हो चुका है, क्या कुछ कहेंगे? अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने कही। इसको मैं चाह रहा था, कल मैं एडीएम सर से भी मिला था, इस बात को मैंने रखी भी थी, जिला पंचायत सीईओ सर भी मिलूंगा आज जाकर। तो मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान की स्थापना के समय से ही नेकी की दीवार नाम से इस आनंदम केंद्र की बात से हुई थी। मध्य प्रदेश में सभी जिलों में आनंदम केंद्र चल रहे हैं, यानी नेकी की दीवार चल रही है, उसका एक विस्तार किया। पहले हम केवल वहाँ पर कपड़े रखते थे और आवश्यक चीज़ें जो रखते थे, लेकिन वहाँ पर आनंदम केंद्र में कुछ सेवा कार्यों का भी वहाँ पर स्थान रखा हुआ है। कुछ लोग अपना सेवा के लिए, जैसे कोई बिजली का मिस्त्री है या कोई हाथ ठेला वाला व्यक्ति है या कोई और लेबर क्लास के व्यक्ति है, तो वो अपनी सेवाओं का स्थानांतरण कर सकता है। यदि उसकी कोई पूरा एक, यदि हम आनंद क्लब का एक गठन करें, उसमें कुछ व्यक्ति जुड़ जाते हैं उस आनंद क्लब में, तो वो आपस में अपनी सेवाओं को हस्तांतरित कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को बिजली का काम आता है, आपको पढ़ाई कराने का काम आता है, तो आप मेरे घर आके पढ़ाई करा सकते हैं, मैं आपके घर जाके बिजली का काम कर सकता हूँ। तो इसमें पैसों का विनिमय ना करके हम अपनी सेवाओं का विनिमय करें। तो मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान के जो आनंदम केंद्र चलो अभियान है, वो दिवाली के पूर्व 5 अक्टूबर से शुरू हो गया है और हम चाह रहे हैं कि जिले में जितने भी आनंदम केंद्र हैं, पिछोर में एक हमारा नेकी का चबूतरा आनंदम केंद्र है, कलरा में जूता कपड़ा बैंक है, शिवपुरी में बैंक ऑफ हैप्पीनेस मंगलम संस्था के अंदर है और माँ महाकाली आनंदम केंद्र फिजिकल चौराहे, तो हम चाह रहे हैं कि अपने अपने शहरों से जो घर में जरूरत से ज़्यादा सामग्री है, दिवाली में हम इनको घर में रखते जाते हैं लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो पाता, तो हमारी ये आह्वान है हमारे राज्य आनंद संस्थान का कि उन वस्तुओं को उस आनंदम केंद्र पर ले जाएँ और ज़रूरतमंद लोग वहाँ से निःशुल्क रूप से ले जा सकें। ये आनंदम केंद्र चलो अभियान का एक उद्देश्य है। मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान 2020 से ही इस बात को लेकर चल रहा है। इस अभियान को हम लोग तीव्र गति पहुंचा देते हैं कि व्यक्तियों को अभी पता ही नहीं है कि हमारे शहर में आनंदम केंद्र कहाँ है। यदि कोई शिवपुरी का व्यक्ति मेरी आवाज़ सुन पा रहा है तो फिजिकल चौराहे पर और पुराना बस स्टैंड, एक पुराने बस स्टैंड में भी नेकी की दीवार है, चित्रांश आनंदम केंद्र उसका नाम है, उसमें अजय श्रीवास्तव चलाते हैं, और माँ महाकाली आनंदम केंद्र जो फिजिकल चौराहे के सामने है, उसमें दिलीप साग के उसके संचालक हैं, उनकी पास में एक शॉप है। तो हम चाह रहे हैं कि आपके घर का जो भी सामग्री है, दिवाली में जो भी निकलते हैं उसको कूड़ा कचरा ना करें, उसको ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए उस स्थान पर रखवा दें। आप चाहें तो हमारा आनंद विभाग कलेक्ट्रेट परिसर में है, उस स्थान पर भी रखवा सकते हैं। आनंद विभाग में भी आप रखवा देते हैं, हम गाँव में जाके जो ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ तक आपकी सामग्री पहुँचा देते हैं।